तो भैंसी हमार लटकावल है पैर पे लटक। हाँ ए लाइट जल्दी चलो जल्दी चलो लाइट लाइट निकाल। हेलो गाइज, मैं हूं दीपक, तो फिर से आगे एक नए वीडियो के साथ में। तो आज का इस वीडियो, ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में गुजरने वाले हैं। गुजरना तो क्या, जाने वाले हैं एक शमशान घाट के अंदर, वो भी 12 बजे रात के, और अभी 12 बज चुका है। फिलहाल ये वीडियो का प्लान हमने आधा या एक घंटा पहले सोचे थे, अंधेरा होते ही जाएंगे एक शमशान घाट के अंदर में। अभी आ गए शमशान घाट के अंदर में ही, रास्ता पे है अभी थोड़ा दूर आगे है शमशान का, जहाँ पे मुर्दा वगैरह जलाया जाता है। तो चलिए मिलाते हैं एक बाबा से जो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ के बारे में परफेक्ट जानकारी देंगे आप लोग को। देख सकते हैं हमने बाबा को भी लिया है साथ में, एक जो कि यहीं पे बगल में इनका एक स्थान है, पूजा भी करते हैं। तो उनके बारे में, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा, खतरनाक है या नहीं। आगे चल के है, लाश वगैरह बहुत फूका था, बहुत खतरनाक होगा। बहुत है, यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं, बगल में आपका बथान है, पूजा करते हैं, और यहाँ से अंधेरा होने से पहले निकल जाते हैं कि कोई डर है यहाँ पे। 8 बजे के करीब में हम आते हैं यहाँ पर पूजा। उसके बाद नहीं रहते क्योंकि खतरनाक है यहाँ, इसलिए यहाँ का कुछ बारे में जानकारी है, कुछ कोई खतरनाक ऐसा कोई घटना घटा है यहाँ पे? जरूर सुनाइए थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, सुना तो चाहेंगे। तो गाइज, बाबा एक कहानी सुनाने वाले हैं, जो कि ये पुराने दादाजी हैं, बाबा है, तो इनको कुछ कहानी पहले का पता था जो इनके साथ में घटना हुआ है, बहुत ज़्यादा डरावना भी हो सकती है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए, आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सुनाइए अब क्या हुआ। देखिए, हम 8 बजे रात के आए पूजा करे बाबा के दरबार में। यहाँ आते हैं? हाँ, बाबा के दरबार में। हाँ हाँ, यहाँ जो आपका मंदिर है, यहाँ पर से पूजा करके भी है भैंसी के लग में, नदी पर यही बांधते थे। हाँ, तो भैंसी के हमरा एगो मुंह में रसरी बांध के या पैर में लटका दिया, आ लटका के हम तो से हम खोजे लगे तो भैंसी हमारा लटकावल है पैर में, पैर पे लटक। हाँ, थुथना वो बांध के पैर में लटकावल है, मतलब यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो भैंसी के हम खोल के नदी पर ले आके तो दूगो ओकरा रोटी हम खिलाए दिन में, मर गया भैंसी की ना भैंसी जी। मतलब यहाँ माहौल भी खतरनाक है, गड़बड़ जगह है, स्थान यहाँ का गड़बड़ है। तो इनका स्थान जहाँ पे पूजा करते थे वहाँ का भी जगह दिखाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं एक शमशान घाट के, जो कि बगल में वो बहुत ज्यादा मुर्दा वगैरह वहाँ फुकाते हैं, 10 दिन के अंदर में ही लाश वगैरह वहाँ फुकाया था। तो चलिए उस शमशान घाट से गुजरते और देखते हैं 12 बजे रात के कैसा माहौल रहता है, कितना ज्यादा डर लगता है उस माहौल से गुजरने पे शमशान घाट के अंदर। तो चलिए चलते हैं, दादाजी को भी साथ में ले लिए ताकि थोड़ा सा डर लेवल कम जाए, लेकिन डर तो है। तो गाइस, पैदल जा रहे हैं, थोड़ा दूर अलग में है, जो कि इससे पहले भी शमशान घाट का वीडियो हम बना चुके हैं, वो भी दिन के अंदर में था, तो उसका लिंक दे देंगे, कितना ज़्यादा खतरनाक है आप लोग समझ सकते हैं। तो वही उसी जगह पे जा रहे हैं आज, वो भी 12 बजे रात का, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फिर भी आप लोग के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना। एक दादाजी को ले लिए, थोड़ा सा तो डर कम गया है, क्योंकि हमसे बड़े हैं तो ये इनको पता होगा सारी माहौल, गिर भी जा रहा है कैमरा में, तो चलो सीधा हो जाओ, चलो लाइट आगे दिखाओ। तो गाइस, शमशान के अंदर में पहुंच चुके हैं और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि शमशान के अंदर में सबसे ज़्यादा होता है, क्या चीज़ होता है आप लोग समझ सकते हैं। और अभी बार बार आपको बता रहे हैं कि अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 12 बज चुका है और ये है शमशान, और इस शमशान के अंदर से हम गुजर रहे हैं, एक यहाँ पे है मुर्दा जला हुआ और इधर के लिए यहाँ दिखाते हैं, चलिए आप साथ में रहिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे एक रूम भी है, ये वाला यहाँ पे दिखे आप तो गाइस देख सकते हैं ये क्या चीज़ है शमशान के अंदर में, यही चीज़ देखने के बाद में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। बाकी आगे तक जाएंगे, थोड़ा आगे तक और खतरनाक और शमशान घाट का इलाका है, तो आगे तक चलते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, और बहुत ज़्यादा खतरनाक अभी माहौल है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, लेकिन आप लोग को कुछ नया दिखाने के लिए यहाँ तक गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ खतरा भी हो सकती है, लेकिन आप लोग को दिखाना है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही होगा। चलिए ये फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, देखते हैं कैसा माहौल रहता है, डर तो लग रहा है फिलहाल, चलिए आगे चलते हैं।
तो गाइज इससे पहले हम जो भूतिया घरों का वीडियो बनाए थे इसी शमशान के अंदर में, उस समय तो दिन के अंदर में आए थे, लेकिन रात के अंदर इस भूतिया घर का देख सकते हैं क्या कंडीशन है और कैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा खतरनाक और डर भी लग रहा है। इसी घर के अंदर में हमने वो भूतिया घर का वीडियो बनाया था और यहाँ पे जो शमशान घाट है यहीं पे, तो हमने इस 12 बजे रात के इस शमशान घाट के अंदर भी आ चुके हैं। बहुत ज्यादा डरावना है, बार बार कह रहे हैं क्योंकि डर हमें लग रहा है, आवाज भी दूसरे टाइप का हो गया क्योंकि डर लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, ये घर भी आप लोग देख चुके हैं पहले भी और अभी भी दिखा दिए 12 बजे रात के, आप चलते हैं। गाइस बहुत ज्यादा हालत खराब है, डर लग रहा है, अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ा देर में। शमशान घाट पार कर चुके हैं, तो गाइस एक शमशान घाट के अंदर में यहाँ पे भगवान जी का भी एक स्थान बनाया गया है ताकि भूतों से थोड़ा सा अलग रूबरू है। यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा भगवान के पास है तो थोड़ा सा उतना खतरनाक नहीं है, बाकी यहाँ आने के बाद में थोड़ा बहुत अजीब टाइप का आवाज़ और खतरनाक सी हवा भी चलने लग गई है, चाहे डर ही लग जाए, डर का भी माहौल है आप लोग। हाँ। आपके अंदर इनके अंदर भी डर लगता है गाय जी, बूढ़ा आदमी हो गया फिर भी हम तो ऐसी है। महावीर बाबा के स्थान में हम सट गए, यहाँ उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा भगवान के पास क्या? बाकी इधर तो जितना जगह अभी आप घुमाए हमें वो शमशान ही है पूरा, एकदम लाश वगैरह फुकाता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत डर है। हाँ। अब तो और डर लग रहा है क्योंकि इनको भी डर लगता है, हम तो ऐसे ही है। अब ज्यादा समय यहाँ पे नहीं बिताते हैं, सिर्फ हमें यहाँ से 12 बजे रात को शमशान घाट के अंदर जाना था और यहाँ से गुजरना था और देखना ये था कि 12 बजे रात के शमशान घाट के अंदर में कैसा माहौल रहता है, कैसा रहता है, कैसा आवाजें आती है खतरनाक से, उस समय से अजीब टाइप का हवा चलने लग गया आने के बाद और आवाज़ भी बहुत खतरनाक आ रही थी। चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस काफी समय हो गया शमशान घाट के अंदर में और इसी रास्ते से अब निकलते हैं यहाँ से। चलिए बाबा जी किधर है, बाबा जी किधर, बाबा जी अरे किधर है, अरे बाबा यहाँ थे ना अभी, हाँ किधर चल गए, नहीं अरे कोई बाबा थे क्या जादू वाला, उधर देखा उधर देखा, अरे क्या है, भागो जल्दी, अरे चलो जल्दी बाबा यार। लाइट आके दिखाओ, बाबा जी एकदम से गायब हो गए। तो गाइस अभी जो मेरे साथ हुआ है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब जो बाबा को हम साथ में लाए थे वो भी एकदम से गायब हो गया, कहाँ गए पता नहीं, मतलब कैमरा के सामने हम अभी है और पीछे में थे बाबा और एकदम से गायब हो गए और ऊपर से जो क्या ना क्या मुर्दा के अंदर से जो खतरनाक शमशान था उसके अंदर से एकदम से रगेटने लग गया था, क्या भागे कैसे कैसे नहीं तो अभी न जाने वीडियो आती या नहीं। फिलहाल अभी तो चलते हैं बाबा के जो जहाँ पे पूजा करते थे बाबा, जहाँ स्थान है बताए थे वहीं पे चलते हैं और देखते हैं, वहाँ पे तो थोड़ा बहुत सेफ हुआ क्योंकि भगवान का मंदिर है। तो गाय जो उस स्थान पे गए हैं वहाँ भी बाबा हमें नहीं मिला, मुझे पता नहीं अब बाबा कहाँ गए और क्या बनकर आए थे, मुझे उसी स्थान पे बाबा मिले थे, मुझे लगा कि यहाँ का है तो उनको ले चलते साथ में, लेकिन जो हुआ मेरे साथ भाई जान पे खेलकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। शमशान घाट के अंदर गए हैं और बाबा गायब हैं, अब मुझे नहीं पता। फिलहाल यहाँ से तो निकलते हैं, वहाँ शमशान घाट से तो काफ़ी दूर आ गए, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेफ है लेकिन अंधेरा है, हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से निकलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जोर से कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए ऐसा वीडियो जान पे खेलकर बनाया है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मस्त वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। फिलहाल चलते हैं और सोते हैं, हालत